गब्बू पादरी की पिटाई कब करोगे? मैं पुलिस से पूछना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस के लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी औकात है गब्बू पादरी के ऊपर हाथ डालने की? उस गरीब शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के परिवार के ऊपर तो तुमने हाथ डाल दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं था, है ना? वो जो भू माफिया है, उस भू माफिया के ऊपर हाथ उठा के देखो ना, फिर तुम्हें दाल और आटे का पता चल जाएगा, है ना? क्योंकि आपकी औकात नहीं है उन लोगों के ऊपर हाथ डालने की, है ना? क्योंकि तुम पुलिस वाले हो, तुम पुलिस वालों की गुंडागर्दी केवल उन्हीं लोगों के ऊपर चलती है जो दलित है, जो मजलूम है, जो मासूम है, जो बेचारे कमजोर है। एकजुट हो और किसी भी सूरत में डरने की घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। आप देख रहे हैं सम्यक इंडिया टीवी। साथियों नमो बुद्धाय, जय भीम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है, आप सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ हूँ। ये सिलसिला कब रुकेगा कि दलितों के ऊपर अत्याचार ना किया जाए? ये सिलसिला कब रुकेगा कि जब जातिगत दुर्भावना के चलते हुए दलितों को प्रताड़ित ना किया जाए? कब रुकेगा ये? मतलब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान भी लिख दिया, और हमारे इतने सारे 131 सांसद तो संसद में बैठे हुए हैं, और दुनिया भर के हमारे सामाजिक संगठन बने हुए हैं, दुनिया भर के राजनीतिक दल बने हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे दलित समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी एक ताजी घटना आई है कि जगतपुरा के गुना जिले के जगतपुरा में, जो मध्य प्रदेश में है, वहाँ एक परिवार रहता था। परिवार में जो व्यक्ति है उसका नाम है राम कुमार अहिरवार और उसकी पत्नी है सावित्री। अब हुआ कुछ यूं कि वहीं का एक लोकल भू माफिया है, उस भू माफिया का नाम है गब्बू पादरी। गब्बू पादरी नाम का जो भू माफिया है, इसने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। अब चूंकि ये जो राजकुमार अहिरवार है, ये बेचारा गरीब आदमी है, बड़ी मुश्किल से भरण पोषण कर रहा है और परिवार किसी तरह से पाल रहा है, तो ऐसे में इसने कहीं से कर्जा लेकर के 3 लाख रुपए गब्बू पादरी को देकर के उसके द्वारा सरकारी घेरी गई जमीन पर खेती करनी शुरू की। 3 लाख रुपए देने के बाद, वो भी कर्जा लेकर के, तो उस बेचारे गरीब ने लंबे समय से, कई साल हो गए, मतलब काफी लंबा अरसा हो गया जब से वो वहां पर खेती कर रहा है और अनाज उगाता है, रोटी चला रहा है, बेचारा गरीब आदमी, किसी तरह से परिवार की गुजर बसर चल रही थी। अब अचानक मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश फरमान जारी किया कि वहां एक मेडिकल साइंस का कॉलेज बनेगा जिसमें 20 बीघे जगह की आवश्यकता है, और वो 20 बीघे जगह में उस राजकुमार अहिरवार की जगह भी आ गई। अब हुआ कुछ यूं कि एक दिन पुलिस जो है वहां उसके घर पर पहुंच गई, उसके खेत पर पहुंच गई, और वहां जाकर के उसने जो है परिवार से कहा कि ये जो जमीन है ये सरकारी जमीन है, लिहाजा इस जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा। अब ऐसे में परिवार को बड़ा दुख हुआ, साथ ही साथ परिवार ने जब ये देखा कि पुलिस के द्वारा लाई गई जेसीबी उनकी खड़ी फसलों को तबाह कर रही है, उस खड़ी फसलों को काट रही है, तो परिवार के पास आमदनी का एकमात्र साधन था कि वो खेत है जिससे जो है अनाज पैदा होगा, उस अनाज को बेचेंगे, परिवार में 2 पैसे आएंगे, और वैसे भी परिवार कर्जे में ग्रस्त है, 3 लाख रुपए का कर्जा पहले ले रखा है, तो बड़ी मुश्किल से गुजर बसर चल रही थी। तो ऐसे में उनके खेतों को नष्ट किया जाना उन पति पत्नी से बर्दाश्त नहीं हुआ, तो पति पत्नी को लगने लगा जब हमारे खेत ही नहीं रहेंगे, हमारा रोजगार का साधन ही खत्म हो रहा है, तो हम जी करके क्या करेंगे। तो उस परिवार ने जहर खाने का प्रयास किया, पेस्टिसाइड को खाने का प्रयास किया। जैसे ही पुलिस को अंदेशा हुआ कि ये परिवार जहर खाने वाला है, जहर खा रहा है, तो तुरंत पुलिस पहुंची। पुलिस ने 2 सावित्री को और राम कुमार अहिरवार को, दोनों को खींचा, घसीटा, मारा, पीटा, कूटा, जितना निर्दयता हो सकती थी उन्हें प्रताड़ित करने की वो सारी हदें पार कर दी। किसने? मध्य प्रदेश पुलिस ने उनको मारा। अब ऐसे में राम कुमार अहिरवार का भाई, उसकी माँ और उसके बच्चे किसी सूरत में उनको बचाने के लिए आए। जैसे ही वो परिवार के बाकी लोग बचाने के लिए आए, तो पुलिस वालों ने उनको गंदी और भद्दी गालियां दी। गालियां देने के साथ साथ उनके उनके ऊपर भी अत्याचार किया, उनको भी प्रताड़ित किया गया। अब ऐसे में जब उनको मारा गया, पीटा गया, कूटा गया, और तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर वो इस तरह का जहर खाने का कदम उठा रहे थे, तो क्या उन्हें जहर खाने से रोकने का केवल एक ही तरीका था कि उन्हें बुरी तरह से मारा जाए, कि उन्हें बुरी तरह से पीटा जाए? क्या उनका कोई मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है? कब तक दलितों के ऊपर इस तरह का अत्याचार चलता रहेगा? एक बात। दूसरा सवाल मैं करना चाहता हूं, जो गरीब था,
जो गरीब था, जिसने कर्जा लेकर के उस जमीन पर खेती की, माफियागर्दी नहीं की, खेती की, खेती करके और लंबे समय से खेती कर रहा था वो आदमी। गब्बू पादरी की पिटाई कब करोगे? मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश पुलिस के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी औकात है गब्बू पादरी के ऊपर हाथ डालने की? उस गरीब शोषित पीड़ित दबे कुचले समाज के परिवार के ऊपर तो तुमने हाथ डाल दिया, उनको मारना शुरू कर दिया, पीटना शुरू कर दिया, क्योंकि इनके पीछे कोई नहीं था, है ना। वो जो भू माफिया है, उस भू माफिया के ऊपर हाथ उठा के देखो ना, फिर तुम्हें दाल और आटे का पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि आपकी औकात नहीं है उन लोगों के ऊपर हाथ डालने की, है ना, क्योंकि तुम पुलिस वाले हो। तुम पुलिस वालों की गुंडागर्दी केवल उन्हीं लोगों के ऊपर चलती है जो दलित है, जो मजलूम है, जो मासूम है, जो बेचारे कमजोर है, जो भू माफिया है, जो गुंडे हैं, जो अपराधी हैं, उनके ऊपर तुम्हारा कोई बस नहीं चलता। मैं बस ना करता हूं मध्य प्रदेश पुलिस की इस कुकृत्य की कि उसने परिवार को इतनी बुरी तरह से, बड़ी बुरी बेरहमी से पीटा। मैं भस ना करता हूं, निंदा करता हूं कि ये निंदनीय कार्य है, और मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं पूरे समाज से, पूरे दलित समाज से, विशेष रूप से युवा नेताओं से जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, एकजुट हों, और किसी भी सूरत में डरने की, घबराने की आवश्यकता नहीं है, और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान के दायरे में रह करके इन्हें हमें जवाब देना है। मैं उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात जरूर समझ में आई होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध आपसे विदा लेता हूं, फिर किसी और दिन, फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।